हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में एक असाइनमेंट आस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो प्रोग्राम कोड होगा MAEC एंड MECE, दो MEC दोनों प्रोग्राम कोड के लिए जो कॉमन आपका असाइनमेंट पेपर होगा फोर कोर्स कोड MEC 101, जिसका टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 1A का सलूशन करेंगे। यह सेशन है 2023-24। और ये कैरी करता है 10 मार्क्स, ठीक है। तो इसका सलूशन मैं प्रेजेंट करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मोनोपोलिस्ट यूजेस वन इनपुट एक्स विच सी परचेज एट द फिक्स प्राइस P = 5 इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट क्यू। हर डिमांड एंड प्रोडक्शन फंक्शन, ये आपका ठीक है डिमांड फंक्शन दिया गया है और ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है। आपको डिराइव करना है इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम प्रॉफिट, ठीक है। तो काफ़ी आसान सलूशन है, आपको वीडियो में बने रहना है। तो हमें दो चीज़ निकालनी है, इक्विलिब्रियम आउटपुट डैट इज द क्यू और अब दूसरा चीज निकालना है इक्विलिब्रियम प्रॉफिट। तो सबसे पहले गिवन दिया गया आपका ये डिमांड फंक्शन, तो टी आर निकाल लेते हैं, तो पी इंटू क्यूब होगा, तो 85 - 3 क्यूब, ये पी का वैल्यू फिर क्यूब से, तो 85³ - 3³² ये हमारा निकल गया आर या टी आर टोटल का वैल्यू। अब ये इसका कॉस्ट फंक्शन जो हमको इस क्वेश्चन में हमको दो चीज़ दिया गया है, डिमांड फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन, लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्शन फंक्शन से हम इसको निकाल नहीं सकते हैं। तो पहले हम कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं, वो सिंगल इनपुट एक्स यूज करता है और उसको खरीदता है कितना प्राइस में, 5 रुपीज़ में, तो 5x हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है Q = 2x^(1/2), तो इसको सॉल्व करेंगे एक्स के लिए। पहले हम इसको इधर लिख लेते हैं, 2x^(½)³, ठीक है। इसको इधर कर दिए, इधर कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद x के लिए सॉल्व करना है, तो x²(q/2), अगर यहाँ स्क्वायर रूट है तो उधर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो x = q²(2)² जो हो जाएगा q²/4। अब ये जो हमारा x का वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा कॉस्ट फंक्शन बिकम हो जाएगा फंक्शन ऑफ क्यूब यानी आउटपुट का, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × q²/4, तो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन तैयार हुआ q²/4, ठीक है। हमको टोटल रेवेन्यू दिया गया है, जिसको सिंपली हम आर भी इसको कह सकते हैं, टी आर को आर भी कह सकते हैं, डेट इज डिनोटिंग टोटल रेवेन्यू। तो प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं, तो π = r - c, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, आर यहाँ निकल गया 85³ - 3³², ठीक है। माइनस सी हमारा ये निकल गया, C = देखो यहाँ से हम निकाले हैं जो, तो -5³² / 4। अब इसका हम FOC यानी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन करेंगे, क्यूब के रिस्पेक्ट में पाई का डेरिवेटिव लेंगे, और जैसे d π / d³, और इसको सेट करेंगे =0। अब इसके रिस्पेक्ट में लेंगे क्यूब के रिस्पेक्ट में पाई यानी प्रॉफिट फंक्शन का, तो 85 आएगा, −3² - 6³ - 5² - 10³/4 = 0। इसको थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, सिंप्लीफाई, 2² = 4, 2² = 10। तो एक नया हमारा फिगर्स आएगा, उस पर हम अब यहाँ पर 85 है, 85 रहने दो, उसको शिफ्ट भी उधर भी कर सकते हैं, −6³ - 5³² = 0। अब LCM ले लो, 2 होगा इसके नीचे कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 170 - 12³ - 5³, यहाँ तक हो गया =0। तो जो अब हमारा फिगर यहाँ तक आया हम वही लिख रहे हैं,
170 माइनस 12 क्यूब माइनस 5 क्यूब और बाई 2 है इक्वल टू 0। जस्ट मैंने यहाँ से वहाँ लिखा हूँ, आपको नहीं लिखना है, एक ही स्टेप रखनी है इसको। चलिए 170 अपने जगह पर रहेगा, ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 क्यूब, और ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो ये होगा। अब माइनस 17 क्यूब ये तो 0 हो जाएगा, और उधर हम शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 170 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल किया, देयरफॉर क्यूब इक्वल टू 170 बाय 17 इक्वल टू 10। तो क्यूब का वैल्यू हम लोगों ने 10 निकाला, दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब हमको इक्विलिब्रियम प्रॉफिट के लिए मूव करना पड़ेगा। तो आपके सामने यहाँ पर पी दिया गया है, पहले आर निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा। सी बराबर हम मिटा दिए, फिर हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पी बराबर आपको 85 माइनस 3 इंटू क्यूब, क्यूब का वैल्यू कितना निकालें 10, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेगा 85 माइनस 30 तो 5 होगा, 55 आपका P हो गया, ठीक है। तो R हम आसानी से कर ले, P इंटू क्यू, तो P आपका 55 क्यूब इक्वल टू 10, तो 550 हो गया, ठीक है। C का वैल्यू हम लोगों ने X बराबर हम लोगों ने निकाला, C इक्वल टू क्यूब स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये निकाला था। क्यूब का वैल्यू हमको 10 निकल चुका है, 4 तो ये हो जाएगा 100 बाय 4 तो 25 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 25, क्यूब का वैल्यू 20, हमारा x का वैल्यू निकल गया 25, तो c बराबर हम लोगों को था क्या 5x, तो x का 25 5 से यहाँ गुना कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल गया 125। तो आसानी से हम पाई यानी प्रॉफिट इक्विलिब्रियम प्रॉफिट इक्वल टू r माइनस c, तो r आपका निकला है 550 माइनस 125। अब इसको घटा देंगे तो वही हमारा इक्विलिब्रियम प्रॉफिट होगा 125, ठीक है, 25 इज द इक्विलिब्रियम प्रॉफिट। तो आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट जिसको क्यूब निकालें, क्यूब इक्वल टू 10 और इक्विलिब्रियम प्रॉफिट जिसको पाई से मैंने डिनोट किया इक्वल टू 425, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मोर वीडियो वेलकम फॉर योर सर्विस के लिए आएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस भी सारा पेपर का अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल इट, जय हिंद।